चल बे ठीक चामू हाई ठीक एक बार फिर से तेकन बहुत बहुत जन्मदिन मुबारक हो। उधर दातिल बोलन ही नहीं दिया। तो मम्मी का कहना भी सही है कि बस लोगों ने ऐसे ही नहीं छोड़ा ये गढ़वाल, क्योंकि खेती पाती हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और ये बंदर सुअर पूरा बर्बाद करके चले जा रहे हैं। तो इससे भी आदमी बहुत टूट जाता है, बिल्कुल भी खेती पाती करने का मन नहीं होता। अब आप देख ही सकते हैं कि तो दोस्तों यहाँ पर दो लोग मुझे रिसीव करने आ रखे हैं। मिलिए यहाँ पर हमारे फौजी भाई से और हमारे साहिल भाई से। तो कहाँ जा रहे हो, रुको तो सही, जरा एक मिनट जरा अपना इंट्रो तो दे दो। आप बताओ आपकी क्या हाल, आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा यार संजय भाई, आपके ब्लॉग रोज देखता हूँ मैं, कमेंट भी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, हमें भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो चलिए भाई दोस्तों आ जाइए खाना खाने के लिए। रात का खाना बन चुका है और आज मम्मी ने बना रखा है लौकी का हलवा। तो कुछ ये रहा लौकी का हलवा। तो कैसे बनाया मम्मी आपने ये लौकी का हलवा? हेलो गाइस, आशा करती हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में व्यस्त होंगे और हम भी अच्छे हैं। और आज मैंने बनाया संजय की फरमाइश में दपड़ी और भात। आप लोग भी आ जाओ खाने के लिए। दपड़ी क्या हुआ? राई की दपड़ी। दपड़ी मतलब कैसे बनती है? दपड़ी मतलब राई को पीसा है हमने, अच्छी तरह से भूना, फिर उसको बनाया। अच्छा, और भिंडी भी है। भिंडी तो नहीं, मुझे नहीं खानी भिंडी। खा लो। नहीं, कैसी बनी है तब दपड़ी? बस क्लास। आज मैंने बनाई है। अच्छे बनाई। लहसुन और राई का छौंका मार रखा है मैंने। अच्छा, तो आ जाइए दोस्तों गर्मा गर्म दपड़ी भात खाने के लिए। सलाद में है, घी भी डाल रखा है शायद, है ना? सलाद में खीरा और मूली और प्याज। चलिए फिर खाते हैं हम, आप लोग भी आ जाइए। मर्च लगी ये बाबा। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा नमस्ते, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो चलिए जी आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संजय रावत ब्लॉग्स में। आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो हम भी एकदम फर्स्ट क्लास है। और आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है शाम के 6 बजे से। तो सूर्यदेव भी जा चुके हैं और मौसम का नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको सबसे पहले। तो ये देखिए शाम का मौसम का नज़ारा कुछ ऐसा हो रखा है, कितना खूबसूरत सा मौसम हो रखा है। यहाँ पर से गांव भी नज़र आ रहा है। ये देखिए लोगों ने गाय बच्चियाँ बाहर निकाली होंगी, तो धुआं भी लगा रखा है। बाकी खूबसूरत सा नज़ारा शाम का हो रखा है, ठंडा ठंडा सा मौसम। बाकी आज भी धूप ठीक ठाक ही थी। ये देखिए तो बंदरों ने कर दिया है परेशान। ओ मेरे बोल तो मोड़ कभी बांध ली। क्या कारण बुबी हूँ बंदरों का? यहाँ पर भी लगे हैं दोस्तों ये बैठने वाले बेंचेस। और आज तो बंदरों ने बहुत ज्यादा दुखी कर दिया है मम्मी लोगों को। दिन भर मम्मी लोग बंदर ही भगाने पे लगे थे और इस मंडुए का नाश करके चले जा रहे हैं बंदर, क्योंकि अब यही हो रखा है अभी यहाँ पर। बाकी नीचे को मंडवा किसी का भी नहीं है। तो मम्मी का कहना भी सही है कि बस लोगों ने ऐसे ही नहीं छोड़ा ये गढ़वाल, क्योंकि खेती पाती हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और ये बंदर सुअर पूरा बर्बाद करके चले जा रहे हैं। तो इससे भी आदमी बहुत टूट जाता है, बिल्कुल भी खेती पाती करने का मन नहीं होता। अब आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा हमारा मंडवा हो रखा है और उसे भी नुकसान करके चले जा रहे हैं बंदर, तो कितना बुरा लगता है। वैसे भी हमने कुदाल से बोया था मंडवे को और हो भी बहुत अच्छा रखा है। और जैसे अब उस पर बालियाँ सुंदर सी आ रखी है, वैसे अब ये बंदर परेशान करने के लिए आ जा रहे हैं। तो भगाएं भी तो कितना भगाएं हम इन बंदरों को। तो अब मैं घूम के भी आ चुका हूं और रात भी हो चुकी है और मुझे एक बर्थडे में इनवाइट कर दिया गया है। अभी कॉल आई कि बर्थडे में आ जाओ, तो चलिए अब चलते हैं बर्थडे में, तो आप लोग भी बने रहेगा ब्लॉग में। तो दोस्तों यहाँ पर दो लोग मुझे रिसीव करने आ रखे हैं। मिलिए यहाँ पर हमारे फौजी भाई से और हमारे साहिल भाई से। तो कहाँ जा रहे हो, रुको तो सही, जरा एक मिनट जरा अपना इंट्रो तो दे दो।
ये रहे हमारे फौजी भाई। और आकाश जी कब आए आप? अच्छा लगा आप सुन के संजय, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। बहुत बहुत लेह लद्दाख से आपके ब्लॉग देखते तो हमें बहुत खुशी होती है अपने गाँव को देख के। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साहिल भाई कब पहुँचे? आज ही पहुँचे भाई, आज ही पहुँचे। कहाँ रहते हो आप? गाजियाबाद। तो गाजियाबाद में कैसा हो रखा मौसम? एक नंबर। और दोस्त ये दोनों आ रखे मुझे रिसीव करने के लिए बर्थडे पार्टी में, क्योंकि रात हो चुकी है, मुझे डर भी लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। कोई बात नहीं संजय भाई, आप हमारे गांव की शान हो संजय भाई। ओ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ज़्यादा ही हो गया मेरे ख्याल से। कब मनाना चाहिए मैं थी? वही तो मैंने आज ब्लॉग ही ब्लॉग। किले ही नमस्ते, ठीक ठाक जा? देख ईदगाह तो पार्टी वाला आई आई थी, बर्थडे पार्टी वाले दोस्तों। हैप्पी बर्थडे टू यू अम्मू। अशिन को बर्थडे कर लुकन, मतलब यार हद हुई है। तो दोस्तों हमारे साहिल भाई आज ही आए हैं, हमें हमारी तरफ तो देख भी नहीं रहे हैं। नहीं यार संजय भाई, नहीं है। आप बताओ आपकी क्या हालचाल? आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा यार संजय भाई, आपके ब्लॉग रोज देखता हूँ मैं, कमेंट भी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, हमें भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा कि साहिल भाई गांव आ रखे हैं। और ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट किया करो। है हमेशा आपके साथ है संजय भाई, आप लगे रहो बस काम पे, आप एक बार एक दिन जरूर सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी ठीक छा पैर नहीं पहुंच में सबसे लास्ट मारो तू अब यहां से नहीं लेना। हां तुम मिगण मैं काल ले पैर ले बोलता। तो दोस्तों यहाँ पर अमृता के पीओजी की आ रखी है वीडियो कॉल। तो यहाँ पर भाई उन्होंने भी ला रखा है केक, अमृता जी के फियांसे जी ने भी, और वीडियो कॉलिंग चल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों सबके सब पहुँच ही गए हैं। ये देखिए अमृता की ताई जी, अमृता की मम्मी जी, बाकी ये पार्टी में आ रखे हैं, इनके ताऊ जी हो गए, इन्हें शरमा रहे हैं। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Ammu, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Amrita. Happy birthday to you. राम राम जी, राम राम, ठीक ठाक। यहाँ पर दोस्तों सभी लोग जुड़ चुके हैं वीडियो कॉल पे। पहली बर्थडे गर्ल को देख रहे हैं भाई दोस्तों। केक कट कर दिया है लेकिन खिला नहीं रही है अभी तक, क्योंकि उनके फियोंसे ने अभी तक केक नहीं काटा है। फियोंसे साहब ने भी केक खा रखा है तो वो भी कट कर रहे हैं। काटे यार सलाम भी चला दी ना यार, केक कट कर। वीडियो कौन पर ओ मारा हुई थोड़ी ना, अरे कट कर रहे यार जल्दी।
अम्मा के घर है क्या बोला चलो थैंक यू बाय। तो फाइनली दोस्तों वहाँ भी कट चुका है केक, तो अब खिलाया जा रहा है। एक हमारा गिज्जा पटेगी बोल बोलो अब हमारा खवाई अरे जुड़े जा सभी दगे। ये काय लटाई की रियो दगरी पूछी सा नो था लो तो तू है। अरे रे जुट जाई और क्या मतलब जवई जवई चणो जा आ जा कै तो और टाइम तो था नी चुल कॉल चलो कोई बात नहीं। अरे वाह ताली बजाओ भाई ताली बजाओ और सॉरी नबी भी गिच यार जा जल्दी जल्दी आओ ताई जी ताऊ जी सब आ जाओ अरे ना अरे अरे मोसी निकाल दे ये यहाँ देखिए दोस्तों सभी भाई बहन जुड़ चुके हैं वीडियो कॉल पे। लपोड़ दे ये देखिए भाई दोस्तों बर्थडे गर्ल ने खुद ही खिला दिया है इन्हें। तो यहाँ पे भाई दोस्तों कोल्ड ड्रिंक मिलने लग गई है हमारी फौजी भाई द्वारा। ये रहे हमारे फौजी भाई और हमारे साहिल भाई, तो बहुत ही अच्छी सर्विस कर रहे हैं। ले लद्दाख से आ रखे हैं स्पेशली अपनी बहन के बर्थडे में। तो कैसा लगा आपको बर्थडे में? खुशी हो रही है ना? चलो बढ़िया है। और ये रहे अमृता के ताऊ जी। बोल यूँ ठंडा नून मरते ठीक से तो दोस्तों फाइनली पार्टी खत्म हो चुकी है। ये सब के सब भाग गए। गुड नाइट भाई। गुड नाइट मिलते हैं कल। बहुत याद आई यार।
मी एक ही चुचुचा की क्या दानी थी मिलते रहेंगे जरूर जरूर भाई थैंक यू ठीक है हमें बहुत खुशी हुई आप आए अच्छा चलो अब छोड़ने भी चलो 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 मिया टॉर्च दिया बढ़ाई चल भाई ठीक चामू हाई एक बार फिर से तेरे बहुत बहुत जन्मदिन मुबारक हो उतर दातिल बोलने नहीं दिया इन दिया चलो ठीक तो मैं भी आ चुका हूँ बर्थडे पार्टी से बहुत ही अच्छे से रही बर्थडे पार्टी बाकी चलिए अब घर पे आ ही गए हैं बाकी खाना वगैरह खाएंगे देखते हैं क्या क्या हो रहा है घर पे तो चलिए भाई दोस्तों आ जाइए खाना खाने के लिए रात का खाना बन चुका है और आज मम्मी ने बना रखा है लौकी का हलवा तो कुछ ये रहा लौकी का हलवा तो कैसे बनाया मम्मी आपने ये लौकी का हलवा उसको कद्दूकस किया अच्छा उसका पानी निकाल दिया मैंने अच्छा उसके बाद मैंने घी डाला हाँ घी में थोड़ा फ्राई किया हाँ उसके बाद मैंने दूध डाला अच्छा चीनी डाली हाँ ड्राई फ्रूट डाले और थोड़ा अपने दिया बस बन गया हलवा तैयार तो चलिए दोस्तों अब हम भी टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा बना है आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ तो वाकई में दोस्तों बहुत ही टेस्टी बना है गाजर का हलवा गाजर का रवा बोल रहा हूँ मैं लौकी का हलवा सॉरी तो लौकी का हलवा बहुत ही टेस्टी बना है मम्मी के हाथों में वाकई में जादू है बहुत ही सुंदर बना है तो आप लोग भी आ जाइए मम्मी के हाथ का लौकी का हलवा खाने के लिए तो मम्मी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद गाजर लौकी का हलवा खिलाने के लिए मेरे मुंह में बार बार गाजर का हलवा आ रहा है कैसा तो लगा फिर आपको बहुत ही टेस्टी बना है सच अच्छा में बना बहुत ही बढ़िया बना है तो आ जाइए दोस्तों अभी गर्मा गर्म लौकी का हलवा खाने के लिए